बेहतरीन, खाली थी वैसे, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं, अब ये रही ना गाड़ी, इसमें लगा दे। हाँ इधर ही, इसमें कर दे, अंदर मत लगा, बैक नहीं, ये रही यार, बैक कर दे, यहाँ लगा देंगे ना, लगा ले, यहाँ लगा ले, उसमें दे वो रही, उसपे भी लगा दे, हाँ यहाँ जगह, यहाँ लगा दे, ये इस पे लगा दे, बड़ी वाली पे, ये ज्यादा अच्छी है। अरे यहाँ पे इसकी, तो भाई ये आ गए अपन मेहरानपोर्ट में, यहाँ से इसका एंट्रेंस है, एंट्री लेते अपन जाएंगे यहाँ से अंदर, और फिर आप लोगों को दिखाएंगे मेहरानपोर्ट। भाई सही रश है यार, बिल्कुल सीजन चल रहा है इस टाइम, पूरी भीड़ है, अच्छा सा है। मेरे ख्याल से टिकट विकट होगा, टिकट लेना पड़ेगा, टिकटिंग लेते हैं भाई। भाई ये अपना 5 टिकट हो गए हैं, यहाँ से टिकट ले लिया, 5 200 रुपये का 1000 रुपये का 5 टिकट अपन ने लिया, चलते हैं अपन के भाई लोग बैठे हैं, चलो चलो भाई टिकट आ गए, टिकट चलो चलो। ये भाई मेहरानगढ़ पोर्ट का पूरा मैप है यहाँ पे, जहाँ से आप देख सकते हो कि कहाँ पे क्या और कहाँ जा सकते हैं। अभी हम कहाँ, कुछ आइडिया है? तो अबाउट है कैसा लग रहा है भाइयों, आज हम जा रहे हैं मेहरानगढ़ पोर्ट में एंट्रेंस हो रही है, अभी तो पोर्ट में कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो मेन एंट्रेंस थी, उसके जस्ट बाद टिकट ले लिया, एक एंट्रेंस ये वाली है, इसके बाद होगा इसमें मजा। Changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. Yeah, you ain't see me activated, you better hope that you never see me agitated, I think about my actions playing them out of. देखो भाइयों हम आ चुके हैं ब्लू सिटी में, भाई मैंने बताया था वो जैसे जयपुर पिंक सिटी, यहाँ पे ब्लू होता है मोस्टली, देख सारे घर ब्लू ब्लू होते हुए, जैसे नील वाला रंग होता है बिल्कुल, इसकी तरह नीला। ये देखो भाइयों हम वहाँ से आए, इससे नीचे से भी एक और गेट था, वहाँ से आए थे, फिर इस वाले गेट से एंट्री ली, फिर ये मेहरानगढ़ फोर्ट है, और फिर यहाँ से ऐसे जाना ऊपर अंदर। अब ये चढ़ाई है, थक चुके हैं इतना चढ़ के, और यहाँ पे कुछ साउंड वाउंड बज रहे हैं, मतलब म्यूजिक बज रहा है, लोग डांस कर रहे हैं। किले कैसे बनाए जाते थे, मतलब कितना सुंदर बना रखा भाई, कितना सुंदर किला है भाई, बेहतरीन नक्काशी, बहुत बढ़िया। और भाई जो डिज़ाइंस होते थे ना, ये तो पता नहीं कैसे बनाते थे, जैसे मैं दिखाऊंगा, जैसे ये है देख रहे हो, ये कैसे बनाया हुआ पत्थर, कैसे लगा है, और उस टाइम पे ये मेहरान बाज़ार है, देखते हैं मेहरान बाज़ार में क्या है, कुछ भी नहीं है यहाँ के, लोकल बुक्स वगैरह हैं मेरे ख्याल से। तो भाई भैया बता रहे हैं यहाँ पे सीज महल, क्या क्या बताया था भैया, क्या क्या यहाँ पे अंदर, म्यूजियम है, सीज महल, फूल महल, ओ असली देखने वाली चीज़ यहाँ है, क्या बेहतरीन वहाँ रखा भाई ये, चिंटू हमारी उम्र की सजा, क्या कहते हैं हमारी उम्र की स्वर्ण ना करते हुए भगता हुआ, और बुढ़े को भी लगा के मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा अबे यहीं तक जाएगा सारा ओ भाई क्या बेहतरीन बना रखा है अरे, हाँ शीश महल वगैरह सब यहाँ पर, क्या बेहतरीन बना रखा, डीप जा रखा, ये देख
तो भाई मुझे लग रहा रानी का एक्चुअली भाई मैडम जाती तो उठा के ले जाती थी ना, जिनको पढ़ना हो उनके लिए पॉज करके पढ़ रहे हैं। ये भी कुछ वैसे ही है। इस टाइम हम म्यूज़ियम में हैं आपका, मेवाड़गढ़ फोर्ट का म्यूज़ियम है यार। जैसे मुझे लग रहा है जब बग्घियाँ होती है ना अपनी शादी वादी उसमें बैठते हैं उस टाइप की चांदी की, मतलब लोग राजा महाराजा बैठते थे ऐसे करके, ये हाथी के ऊपर लगती थी जब ये लगी हुई है, ऐसे लग जाती थी इस पर बैठते थे। फिर ये राजा गिरा है, कितना पुराने सब पर इन पर सब ना चांदी का वर्क हो रखा है ऊपर। ये एलिफेंट वाद है, होता बोलते हैं, होता एलिफेंट को ऊपर रखते थे इसको बैठ जा महाराजा। ये भी होता है, हाथी का ही होता है ये भी। तो भाई शीशा लगा हुआ है, यार ये सारे एलिफेंट हॉद ही हैं सब, मतलब मेरे ख्याल से मौसम वाइज होते होंगे, या जब बारिश बारिश में जाना पड़ेगा कहीं या तेज़ धूप हो उसमें जाने के लिए, मतलब है नहीं ऐसा मैं बता रहा हूँ। जो भी कितना अच्छा लग रहा है भाई, चांदी का वर्क नहीं बट फिर भी इसका जो सीट का कवर है पर्पल कितना प्यारा लग रहा है। इधर भी कुछ है क्या भाई, रूम सोना रखा है यहाँ कुछ नहीं है मेरे ख्याल से कुछ होगा तो। अब चलते हैं भाई पालकी खाना में, यह पालकी खाना एक एक चीज़ बताएगा तुम्हारा भाई, फिर आपको जाना है यहाँ। यहाँ देखो भाई यहाँ पे क्या क्या देखते हैं राजा महाराजा, क्या क्या यूज़ क्या करते थे, कैसे कैसे। यार मुझे लग रहा है उस टाइम पे पिक्चर्स तो होती थी, पेंटिंग हाई पेंटिंग्स हैं, पेंटिंग्स में बनवा रखी हैं राजा महाराजाओं की, किस तरह से इनको लेके जाते थे चार पाँच लोग, ये देख रहे उठा रहे इनका पूरा। ये इधर भी, ये तो यार रियल है बिल्कुल, देखो रियल पेंटिंग है भाई, ये पेंटिंग है और बिल्कुल रियल लग रही है। देखो ध्यान से ऐसा लग रहा है जैसे कि फ़ोटो क्लिक करके हो बट ये पेंटिंग है रियल में। ये है देखो असली वाला, और ये पिंजेस, ये लेडीज़ का होता था उसमें, लेडीज़ बैठती थी ढक ले जाता था उसको फिर। इधर भी ये पालकी है, ये भी भाई पालकी है, इसमें बैठा करते थे मारवार। ये देखो बेहतरीन रखा है इस पर, ये भी पालकी है भाई, इनके सब पर लेडीज़ बैठती थी मेरे ख्याल से पालकी में। नहीं 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 पालकी लेडीज़ की भाई, जेंट्स की जैसे इसमें ना ये चार चार हत्ते थे, एक और एक गिरा एक गिरा एक बोरा, तो चार चार चारों तरफ से लोग उठा लेते होंगे या जितने भी होते होंगे आठ होते होंगे, एक साइड से दो दो एक ऐसा है। अरे मुझे तो सही लग रहा है, वाह ये तो बहुत अच्छा। अब यार वो मूवीज़ में दिखाते ना जिसमें अंदर बैठ जाती है लेडीज़ की, वैसा कुछ है, इसका शटर भी है, शटर ऑन ऑफ हो जाता है पालकी जो कि शटर डोर के साथ है, ये डोर इसका शटर हो जाता है ऐसे करके शट हो जाता है। एक ये पालकी है, इसमें ऐसे यहाँ बैठ जाओ वहाँ पैर रख लो, वाओ भाई पालकी में क्या होता था ना ये ऐसे करके डंडे निकले होते हैं दोनों तरफ से, एक आगे से एक पीछे, तो लोग उठा लेते हैं, किसी में चार होते हैं चार लोग उठते हैं, किसी में दो होते हैं दो लोग लेके चलते हैं फिर मैडम को, मैडम बैठी होती है। अब आता है भाई आपका, ये देखो ये हुक्का, ये उस रूम का चिलम था भाई चिलम, ऐसा हुक्का लगा के बैठा करते थे। और ये देखो ये मेरे ख्याल से राजा की वो भी, यहाँ पे सुबह बैठते हैं राजा साहब बैठते हैं, यहाँ पे उनके दास बैठते हैं। चलते हैं अंदर दौलत खाना भाई, अब चल रहे हैं दौलत खाना में राजा साहब से, लेट्स सी। ये देखो भाई इसलिए बड़ी शॉर्ट, देखो भाई ये होते हैं शॉर्ट, देखो फलादी फल होता है इसको मोटी से बोला जाता है। ये वाली दरवाज़ देखो उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है ना, देखो ये जो है थोड़ी कर्व सा लेके आ रही है ऐसे एक तरफ से है ना, और ये देखो दोनों तरफ से बिल्कुल सीधे पीछे में था, दोनों तरफ से सीधी तलवार यूँ कर गई हूँ, कितनी बड़ी यार। इसका वेट भी होना चाहिए, इसमें वेट लिखा होता तो अच्छा लगता सुन के। और यहाँ पे दो तलवार हैं, ये देखो ये ऐसे कर्व करके आ रही है, ये देखो भाई हो भाई कितनी अच्छी लग रही है, देखना ये इसका मुठ कितना अच्छा लग रहा है पकड़ने वाला है ना, पर मुझे लग रहा है पकड़ते हो नीचे वाला जैसे चुभता नहीं होगा अपने इस पे जो हिस्सा होता है अपना पाम जो होता है इसको चुभता होगा यार ये तो पकड़ तो नहीं। बाकी तलवार काफ़ी हल्की लग रही है मुझे भाई, पकड़ो तो मैं सोचता हूँ कि वो जब तलवार से मारा जाता था एकदम से मरने रहा,
कितना पेन होता होगा भाई। ये जो फलादी फल है ना, ये देखो, ये जो ये मुठ है ना, इसमें देखो सरकार के दर्शन है। जो मतलब ये इतना प्यारी, सबसे सुंदर बता रहे हैं यहाँ पे जो गाइड है, वो बता रहे हैं सबसे सुंदर तलवार है यहाँ की। और इस पर देखो ध्यान से आप लोग ना, ऐसे शिकारी शिकार करते हुए इनकी फ़ोटो बनी हुई है। देखो ध्यान से जो बने हुए ना, जो शिकार कर रहे हैं इस तरह से, कितना अच्छा लग रहा है। भाई इसको उसके ऊपर रख के ही चला जाता था, वो जैसे उस पर रखा हुआ ना वहाँ पे किसी पर रख देते थे और उस साइड से उस पर टिकट करते थे, पीछे से मेरे ख्याल से उसमें बारूद भरा जाता था, ठीक है। और ये वो है वो तलवार के सामने से रोकने के लिए होता है, ढाल जिसे बोलते हैं, शील्ड। ये हेलमेट होता था जब युद्ध में जाते थे, और वो आपका मैचक लो बंदूक तोड़ेदार, वो बंदूक तोड़ेदार है भाई, पता नहीं बंदूक तोड़ेदार मुझे समझ नहीं आया भाई क्या है, शायद उसमें बारूद भर के आगे ऐसे डंडे से करते थे। और ये है आपका कटार भाई, ये बड़े ख़तरनाक होती है, इसको ऐसे करके पूरा पकड़ना होता है, ऐसे कर गई हूँ और फिर चलता है इसका। वो भाई ये देखो भाई पालकी कितनी बढ़िया है, ये तो हमने दिखाई आपको, कितनी खतरनाक पालकी है भाई, जितनी बड़ी पालकी ना उतने छोटे इसके हाथ है, बाहर जो निकले हुए जो लकड़ी से निकले ना बाहर दोनों तरफ से, उतने छोटे ताकि टूट ना जाए और मजबूती रहे, ये भारी होगी बहुत ज़्यादा। मुझे लग रहा है इसमें पूरे पे चांदी का वर्क होता है। भाई ये आपका पेन बॉक्स है, इसे बोलते हैं पानदान, ये पानदान होते थे जो राजा महाराजा फिर कहानियाँ खाते थे ना, तो उसमें पानदान रखे होते थे। और ये आपका चौपड़ा है, डैट्स कॉल्ड पानदान अगेन। ये दोनों चीज़ का है यार, ये तो छोटी सी मुझे लग रही है बंदूक टाइप क्या है, चुस्की ये कुछ और है भाई, चुस्की है, चिलम का हुक्का है बंदूक नहीं भाई, चिलम का हुक्का है, तो क्या खतरनाक है भाई साहब, चुस्की है चुस्की नहीं, ये चुस्की है ये, और दैट इज़ कॉल्ड चिलम का हुक्का। वाओ कितना बढ़िया है, चिलम का बढ़ता हूँ भाई, देखो ये भी कुछ है बट इसके लिए ना कुछ लिख रखा क्या है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। एक मन कर रहा है कि हो सकता है इसके अंदर कोई बड़ी बुक रख दी जाती हो उसको ढकने के लिए, पता नहीं भाई क्या है, इसको कुछ नहीं लिखा कहीं भी, देखो ना ऊपर लिखा ना नीचे लिखा, इसके बारे में कोई विवरण ही नहीं है। ये देखो ये होता है भाई हुक्का, चांदी का हुक्का, चांदी का सुराही टाइप, ठीक है, जो कितना बेहतरीन लग रहा है भाई। हम अभी म्यूजियम में ही हैं अभी भी, तो ये बीदर की कारीगरी का कुछ ऐसा है, ये जो है ना ये मतलब ये कुछ ये हो गए सब जो है ना, ये सबसे पहले तो सिल्वर में है, और दूसरी बात ये ना हैदराबाद के पास तो एक बीदर करके कोई एरिया है जहाँ पे वहाँ की कारीगरी है, तो इसलिए इसका नाम बीदर रखा गया है। ये देखो भाई जिसमें लाइट होनी चाहिए थी वहाँ लाइट ही नहीं है, यहाँ पर लाइट होनी चाहिए थी। ये इनका चौका है राजा का भाई, मोटा अगर देखा जाए तो इसमें ना ध्यान दो, चेस्ट कितनी बड़ी बनाई गई है उनकी, उनकी स्लीव्स कितनी बड़ी बड़ी हैं, और साथ ना उनका जो पेट है वो इतना नहीं है जैसे कि मतलब होता है ना कि कोई बड़ा चौड़ा आदमी उसका पेट हो तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हो कितने लंबे तगड़े रहे होंगे। मारवाड़ की प्रतिमा है, चांदी की प्रतिमा है पूरी, और इनकी देवी की पूजा होती है भाई, सजा रखा है मेरे ख्याल से पूरा गोल्ड है भाई, इतना पता रखा है माता को। लोहे का ताला और चाबी भाई, ये लोहे का ताला है और ही उसकी चाबी है, कितनी खतरनाक है देख रहे हो, ये इस तरह से लगता था इधर, ये भाई वाला ताला, ये ताला है जो इस तरह से गेट पर लगता है, देख लो, और ये भी गेट है, ये ताला है भाई साहब, उस टाइम पर सिक्के हैं सब ये, नहीं ये तो मुगल कॉइंस है जो लेफ्ट में सबसे, ये सब मुगल कॉइंस हैं, और ये मारवाड़ कॉइंस हैं, ये हैं प्रिंसल स्टेट कॉइंस, ये जो हैं ये वाले दोनों प्रिंसल स्टेट कॉइंस हैं, और उसके बाद ये ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के हैं। मैं आपको मारवाड़ के सिक्के ना इस तरह के कुछ मार्क हैं जो पाए गए हैं, ये उनको मार्क को यहाँ पर डिजाइन बना हुआ, इस तरह के सिक्कों का मार्क पाए जाते थे। ये देखो भाई उस टाइम की गन है, मैं सबसे पहले यहाँ दिखाया था आपको क्या है, भाई ये बंदूक का देख लो कितनी खतरनाक बंदूक होती है भाई, मैं तो सोच रहा हूँ बंदूक उठाते कैसे तैयार रखे बंदा, कितनी भारी बंदूक आ रही है। मारवाड़ की पेंटिंग्स है बेसिकली, यहाँ पर ना पेंटिंग्स को थोड़ा सारा बताया हुआ है कि मारवाड़ कहाँ से कहाँ तक था, जैसे इसको बोलते हैं दुर्बार, कॉन्टली लाइफ मारवाड़, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि है क्या, देखो ये तो मारवाड़ का पूरा ये जो क्षेत्र है ना, ये थार डेजर्ट है, राजस्थान है बेसिकली पूरा, इस राजस्थान में ये जो हिस्सा है थार डेजर्ट का, ये अरावली रेंज है, इस थार डेजर्ट और अरावली रेंज के बीच में आपको मारवाड़ कहीं पड़ता है, ठीक है।
और मारवाड़ में बेसिकली नागौर आ जाता है, उसी में रहता है मेड़ता, जोधपुर, पाली, जलोर और ये मंडोर, पोखरण, ये सब आता है। ये जो है ना, ये अपना इंडिया, इंडिया में अगर आप पूरे मैप में देखो ना, तो ये देखो, ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये आपका पड़ता है मारवाड़ भाई। तो बेसिकली इसी चीज़ को देखने के बाद आर्ट एंड आर्टिस्ट में इसमें क्या है, चित्रकला और चित्रकार को आपको डायरेक्ट बताया था, उन्होंने पढ़ लिया। तो ये जैसे ये है, ठीक है, ये सभा इन्होंने पूरी बनाई है। और इसमें क्या दिखाया कि जो इंडियन आर्टिस्ट होते थे ना, इंडियन जो चित्र आर्टिस्ट होते, चित्रकार होते थे, वो कभी भी ना अपना नाम लिखते थे, जो जैसे कि जो विदेशों में अदर की कंट्रीज होती है उसमें जो भी कोई अपना कोई राइटर होता है या पेंटर होता है, वो अपना नाम लिख देता नीचे इधर उधर की, ताकि पता रहे कि किसने बनाई है नाम के लिए। उनका एक प्रोफेशन था। तो उस प्रोफेशन में क्या होता था कि जो एक बंदा होता था ना, और जो चित्रकार होता था, वही चित्रकार अपने बच्चों को चित्रकला सिखाता था बचपन से, और फिर उनके बच्चे ही चलाते थे, और वैसे करके उनके भी बच्चे होते थे तो वो सिखाते थे और चलाते थे। तो इसलिए, और इसका एक पूरा ना उनको एक पूरा प्रोफेशन, इस प्रोफेशन में उनको पैसे मिलते थे, वो ज़मीन मिलती थी, खाने पीने का सामान मिलता था राजा की तरफ से। तो जैसे इसमें यही लिखा हुआ है, तो उसमें जो अब तक नाम समझ में आया वो ये कि भाटीनाथा थे, उसके बाद उनके बाद भाटीनाथा के बाद भाटी मणिराम थे चित्रकार, फिर उनके मणिराम के दो बेटे होंगे भाटी अक्खा और भाटी उदयराम, फिर उदयराम के भाटी शिवदास। तो यहाँ तक का तो इनके पास डेटा है, और इससे ऊपर का नहीं, इसके बाद ये देखो किस तरह की कला है, मेटीरियल्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग पेंटिंग। तो जैसे आजकल हमारे पास होता है ना, कई सारे कलर्स को करने के लिए, पेंट्स को उन पर करने के लिए, तो ऐसे इसमें आए देखो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मैन्युफैक्चर हैं, मैन्युफैक्चर पेंटिंग करने के लिए मटेरियल्स यूज़ होते थे। ये भाई ये पत्थर है जैसे सिल्वर है, सिल्वर कलर देने के लिए, ये सिंदूर का रंग देने के लिए, इंडिगो रंग देने के लिए ये यूज़ होता था, ठीक है। ये मतलब ऐसे सभी इसमें लिखा है कि क्या क्या चीज़ यूज़ होती थी भाई। आजकल अगर आप देखें ना, आज के हिसाब से इसको सोचेंगे तो हो सकता है आप लोगों को अजीब लगे कि अरे क्या है इसमें, क्या है कितने, क्या ही दिक्कत है। पर भाई साहब उस टाइम पे सब देखो, ये सब पेंटिंग है, ये रियल राजा महाराजा की पेंटिंग है, और उनके नाम भी लिखे हैं कि जो मेरे ख्याल से नाम लिखा है, कौन कब से कब तक था, ये देखो, ये देख लो आप लोग, ठीक है, ये देखो, ये देखो 31वें राजा मेरे ख्याल से अभी चल रहे हैं, जो बीच में ये बना रखे हैं महाराजा सरदार सिंह 1895। अभी कौन सा है भाई, 31वें तक का ही डेटा है क्या, जो आज तक आया, और वही जो पेंटिंग देख रहे हो ना, जस्ट के बाद यहाँ से ऊपर तक जाना हो, ऐसे कुछ स्टेयर्स हैं मेरे ख्याल से, हर फ्लोर पर कुछ ना कुछ है। तो भाई अब थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं, 5-6 दिन बंद हो जाएगा, फिर भगवान लगेंगे, अब हम थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे दिखाते हुए, ठीक है, हम कोशिश करेंगे जल्दी से सारी चीज़ एक्सप्लेन करते हैं जल्दी जल्दी। देखो भाई सब कारपेट वगैरह टाइप है, देखो ड्रेस उनकी, ये ड्रेस है अंग रखा रॉयल टेंट्स एंड फर्निशिंग्स। अच्छा वो जो था ना टेंट है ऊपर रॉयल, और उसके नीचे फर्निशिंग, ऐसे टेंट बिछ जाता और नीचे बैठ जाते थे उसको बिछा के। वहाँ से आए हम, और अब हम आ गए यहाँ, यहाँ पे आपका शीश महल, अगर मैं आपको दिखाऊँ कोशिश करता हूँ अंदर जाने की, ये देखो जो शीश महल टाइप कुछ बना रखा है, इसमें अंदर जाती हूँ रानी, और मतलब जो हर जगह होता है, देखो शीश महल जयपुर में भी है और आपका उदयपुर में भी है, सब जगह ही होता है, ठीक है। तो ये आपका जोधपुर का शीश महल है, कुछ इस तरीके से नीचे कारपेट बिछ हुई है, चारों तरफ शीशे लगे हुए हैं, और उसके चारों तरफ निकासी हुई है, ये देखो पेंटिंग्स बनी हुई है, ठीक है। तो ये कितना अच्छा बना रखा है, बेहतरीन नंबर जूम आ रहा है। ये देखो रानी की जो राजकुमारी होती है ना, उनकी ड्रेस, ठीक है, पोशाक बेसिकली, अचकन भी बोलते हैं इसको, अचकन, ठीक है। ये देखो बच्चे जो छोटे होते हैं राजा महाराजा, उनकी उस टाइम की ड्रेस ये ऐसे पहनते हैं, जब इस तरह से पहनते हैं। और ये आपकी अचकन, इसको पढ़ लो इफ यू वांट टू रीड हिंदी में, एंड इफ यू वांट टू रीड इन इंग्लिश, तो आप ये पढ़ लो। यहाँ से निकल के पहले नीचे निकले थे वहाँ गए, अब ऊपर आके यहाँ से निकले यहाँ जा रहे हैं, अब और ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर जाना है। अब मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी कर लो भाई, बहुत लेट हो जाएगा ऐसे, ऐसे तो हम कर ही नहीं पाएंगे आज कुछ ना। अरे वाह वाह, बहुत समा भी दिखाता हूँ आप लोगों को, सबसे पहले अपन गैस करते हैं कि क्या होगा। ये सामने राजा जी बैठते होंगे और उनके वजीर वगैरह जो भी होते हैं वो बैठते होंगे, यहाँ पे अपना डिस्कशन चलता होगा, इतनी बेहतरीन जगह बैठा रहा बना रखी है। अभी मेरे को कंफर्म नहीं है, यहाँ तो पेंट है, ये सब पेंट ही है, पर ऐसे ही एक जयपुर में भी जो वो सब सोने का है, चेयर वगैरह पर सब सोने की वो हो रहा है वर्क, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ उसको बताता हूँ फिर आपको। प्राइवेट ऑडियंस
ये जो मेहरान कोर्ट है, ये कोर्ट की बाउंड्री दिखाऊंगा जाओ, ये बाउंड्री है ना, ये चारों तरफ से आ रही है, देखो ये आ रही, ये जा रही है, ये मंदिर पे, जो मंदिर के कॉर्नर से होते हुए ये देखो ये जा रही है, ये टावर है, टावर के बैक साइड से होके फिर नीचे यहाँ पर आए, ये रही फिर ऐसी ये फिर एक हो गई थी यहाँ पे मेरे ख्याल से, कहीं अब तो पुरानी होगी, बट ये पूरी एक बाउंड्री कर रखी थी ना 6-7 फुट की पूरी गोल। वाह सही है यार। और एक और चीज़ देखो ये जब कोई युद्ध होता था उसके लिए तोप लगा रखी थी, देखो तोपे इस वॉल से यहाँ से तोप लगा रखी है, यहाँ से निकल के वो दिखाया आपको, और उसके बाद अब यहाँ पे आ गए, यहाँ से फिर से देखो भाई सिक्योरिटी ये यहाँ से निकल गया, ये देखो यहाँ से नीचे आके आके हम अब आ गए हैं थर्ड फ्लोर पे जा रहे हैं वहाँ, और थर्ड फ्लोर के ऊपर शायद नहीं जाते हैं कोई भी क्योंकि वो बंद है। चलो हम लास्ट फ्लोर पे चलते हैं जल्दी से देखते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं भाई, ना तो अपन के भाई लोगों का कॉल आया ना ही वो अपना घूम रहे हैं मस्त इन्जॉय कर रहे हैं, अपन को ब्लॉग बनाना आप लोग के लिए देख रहे हो, सेक्रीफाइस कर दिया मैंने अपने भाई को, या फिर ये कहें कि उन्होंने मुझे सेक्रीफाइस कर दिया निकल गए अपना इन्जॉय करने के लिए। ये शस्त्र खाना है भाई, शस्त्र खाना, यहाँ पर शस्त्र रखे हुए सारे, ये देखो नीचे थोड़े बहुत शस्त्र थे बट इनका शस्त्र खाना मुझे लग रहा है अपने ये निकाल के लैंड वैंड कर दूँगा आज ही रेट में भी, मतलब तलवारबाजी वो छोड़े बहुत जो है खुला नहीं है, तो इसका मतलब मैं यही सोच सकता हूँ कि जो नहीं खुला हो सकता, राजा महाराजा आज भी तो फ्री होते हैं तो भाले भाई उस टाइम के वो भाले। ये क्या भाई ये अलग सीन है, बिल्कुल कुछ वैसा सही है बट डिफरेंट है, इनका तक इलाज है भाई, अरेस्ट कर देते हैं व्यू देखना भाई, व्यू देखो एक तो यहाँ पे आर्मी का कुछ है ना एयरफोर्स का, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कभी कोई मिग आता है, कभी कुछ चलते रहता है हेलीकॉप्टर आया है, ये सारा तक है भाई यहाँ पे लोग, मतलब आपको रेस्ट वेस्ट करना हो ना हम उसमें कर सकते हैं, वो बैड रखा है वहाँ चेयर्स हैं फिर वो बैठना हो साथ में, वो बेसिकली काइंड ऑफ बेडरूम उसमें बैड है और साथ में नीचे सोफा वगैरह टाइप और बैठना, बट ये एक डेकोरेशन अच्छे से रखते हैं अंदर से, ये देखो कितना बेहतरीन है, एक वो था विंडो पे लगा देते हैं उस तरह का रोशन लाइन टाइप, इसमें से एयर पास होती रहे, तो इस पे जो है ना सारा ये गोल्ड का वाटर है, ठीक है गोल्ड मतलब गोल्ड पानी किया हुआ पेंट में, और ये जो है भाई ये खतरनाक चीज़ है गेट है, उस टाइम पे यूज़ करते थे लोग गेट, और इस गेट की खास बात होता है कि आपको दिख रहा होगा वाइट पर डिज़ाइन बना रखा है पूरे गेट पे, बट ये वाइट बनाया गया है भाई, ये हाथी दांत है, ये हाथी दांत को इसमें लगा के उस तरह से मतलब नक्शी वो दी हुई है हाथी के दांत का यूज़ करके, हम इस टाइम थर्ड फ्लोर में मतलब यार इसके नीचे ला रहा है यार वो, धीरे धीरे मेरे को पता नहीं चला हम स्टेयर्स पे और धीरे धीरे हम नीचे आते जा रहे हैं थर्ड फ्लोर से, बाय गॉड वाह भाई देखो कितना बेहतरीन लुक आ रहा है ना अंदर से, ये मतलब ऐसा हो सकता है ना जैसे आप बरामदा वगैरह बना लेते हो तो वहाँ बैठ जाते हैं लोग, ये मोती महल है भाई, और ये भाई ओल्डेस्ट सर्विंग रूम है इन दिस फोर्ट, सबसे ज़्यादा पुराना रूम उसमें है, मतलब सबसे पहले जो बना होगा उसके बाद धीरे धीरे होता रहा है, एंट्री इन जनानी दोड़ी, जनानी दोड़ी में एंटर कर रहे हैं अपन लोग, चलते हैं आगे चल के देखते हैं। ये भाई जनानी दोड़ी है भाई, कहीं भी ना ऐसा कुछ नहीं था ये तो ऑफिस है, बट ऐसा कुछ नहीं था जो आपको पढ़ के बता सकते जनानी दोड़ी में होता क्या है, इनको ना यहाँ पे भी एक्सप्लेन करना चाहिए था, और भाई अपन यहाँ से निकल के, यहाँ से निकल के यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आने के बाद इसमें जाएंगे अंदर, फोटो लेने का मना कर देता हूँ, वहाँ से आ गए यहाँ, और यहाँ पे थोड़ा जूती और कारपेट वगैरह अगर आपको लेना तो ले सकते हो आप, ये लेडीज़ का शॉपिंग करनी है इधर, ये शूज़ जूती वगैरह जो होती हैं वो है ये, और जैसे यहाँ से बाहर निकलेंगे मेरे ख्याल से यहाँ ये टेंपल है, ये एग्ज़िट है, और यहाँ पे जो और भी यहाँ की लोकल की जो चीज़ें होती हैं राजस्थानी वो सब आएंगी, और वहाँ पे चूड़ियाँ वगैरह मतलब लेडीज़ का सामान है, और लेडीज़ जो बच्चों का जो लेना होता है और जो घर को डेकोरेट करने का राजस्थानी सामान होता है ना वो सब है, यहाँ अभी चलते हैं अपन टेंपल में, ये अभी तक जो मैं वहाँ पे गया था ना मुझे लग रहा है यहाँ पे सिर्फ मतलब माता रानी का टेंपल है, पार्वती मैया का टेंपल नहीं है अंदर पार्वती मैया की होती, तो लेट्स सी किसका है ये टेंपल, ये भाई जा रहे हैं
एग्जिट है पूरे महल से, बाहर चलते हैं देखते हैं कहाँ पहुँच रहे हैं हम। अच्छा अब हम यहीं आ गए, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से हम आए थे याद है, वो गेट मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, यहाँ से एंट्री हो रही थी और इधर से ही गए थे हम शायद ऊपर। जब हम उधर से आ रहे थे उधर से एंट्रेंस हो रही थी हमारी, ये जो दिख रहा है ना यहाँ से हम इधर को आ रहे थे, उस कॉर्नर पे टर्न था ना वहाँ पे भी ऐसे कोई गाना बज रहा डांस कर रहे लोग, फिर हम यहाँ से आके इधर ये जो यहाँ ये ना ये एंट्रेंस इसमें चले गए थे वहाँ से। अब यहाँ से पूरा घूम के यहाँ से एग्जिट होकर भी वहाँ आए और अब ये यहाँ पे है, और यहाँ पे भी देखो सेम लोग जब आते हैं टूरिस्ट आते हैं इन्जॉय करते हैं, और देखो यहाँ पे भी तीन लोग बैठे हैं शायद, तीन है दो है, अच्छा दो तीन है, एक दो लेडीज एक दो जेंट्स एक लेडीज है, तो जब इन्जॉय कर रहे हैं देखे भाई इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाई कभी, इसमें पूरी पार्टी एक ही कढ़ाई बन जाती थी, इतना बड़ा खाना एक पूरी बरात का खाना एक ही कढ़ाई बन जाएगा या ज़्यादा हो सकता है ज़्यादा लोगों के लिए बन जाए। और ये फिर से यहाँ पे ये देखो ये भाई लगे हुए हैं यहाँ पर ना, हर थोड़ी 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 दूर पर ये थर्ड पर्सन मिला है, थोड़ी थोड़ी दूर पर लगे हुए हैं हर जगह। तो भाई ये सारा वहाँ से अपन लोग आ रहे हैं ठीक है, वो सारा एरिया था जहाँ से मैं निकला था वहाँ से। और ये अगर देखो यहाँ पे क्या रखा है पता नहीं, मुझे नहीं शायद तोप लग रही है, झुकी हुई तोपें लगा रखी हैं ये। यार ये है क्या कारागार तो नहीं है भाई ये, यहाँ पे कुछ हो सकता है मार्केट लगता हो पहले कभी सारी, मतलब ऐसा है कुछ स्टोर टाइप का अंदर उसमें ताले लगे हुए हो सकता है मार्केट रहा हो या मार्केट लगता हो इनका यहाँ पे। वहाँ पे सनसेट पॉइंट तो नहीं है, अरे सन दिखाई दे रहा है, सनसेट कहते हैं सन के काम आ गया यार, बहुत तेज लग रही है लोग खिंचवा ना फोटो तो पे भाई, यहाँ तो खतरनाक लाइन जो भाई, और मोरी मैया कितनी सारी तोप है भाई लाइन से देखो, वाओ भाई उस जमाने की तोप है लाइव देख लो तुम लोग। देखो इधर तो एंट्री हो नहीं सकती, कहीं भी नहीं जा सकता, तोप कुछ हो नहीं सकता, हम लोग दूर से फोटो क्लिक करवा लो। ये देखो ये मेरे ख्याल से ना परमानेंट तोप है, किस तरह की जैसे होता है ना इसके ऊपर सीमेंट के ऊपर रखवा दी। ये देखो ये जो पिन सी है ना टोक के निकल जाती है नीचे, इसे बाहर करके इसमें अंदर भर के गोला और जोर से मार दूँगा खींच के। बहुत सारी तोपें यार, एक दो तीन लाइन से यार बहुत सारी हैं। ये इनका जोधपुर के राजा का इनका फ्लैग हुआ है, हाँ ये इनका फ्लैग है, और यही फ्लैग है भाई जो अंदर ना यही जो लोग हैं ना ये बाज टाइप के जो बना हुआ है यही लोग इनके उसमें भी बना हुआ, टी शर्ट वी शर्ट जो अंदर क्लोथिंग है ना जोधपुर के अंदर जो मिल रही थी उसमें टी शर्ट यही मिल रही थी, तो ये बेसिकली इनका ही काइंड ऑफ निशान है, इनकी यूनिक आइडेंटिटी बोलते उसको कि अगर एक ही मार्क लगा तो मतलब वो इनका ही है सब। वाह क्या तोपे हुआ करती थी भाई जमाने में, और सबसे अच्छी चीज़ देखो पूरा जोधपुर दिखाई दे रहा भाई, पूरा जोधपुर देखो पूरा जोधपुर दिखाई दे रहा भाई, देखो एक ही मंदिर दिखाई दे रहा है सबसे सबसे एक ही बना रखा है मंदिर, लोग कर रहे हैं पूजा वहाँ पे जा रहे हैं मंदिर में ठीक है। और यहाँ तो नो एंट्री है ब्रदर, एक तो ये है जो कि उस क्षेत्र को संभालती थी उधर के एरिया को, इस तोप का नाम है चवांडा भाई, लाइन से तोप है लाइन से कितनी सारी तोप है देख लो तोपें कितनी सारी हैं, कर लो हमला बस क्यों तो आ जाओ। ये देखो ये पता नहीं आया, इसे भी देखेंगे टाइम मिलेगा, उड़ रही है ना उड़ रही ना कितनी सारी हैं भाई, मैंने ना अचानक से नोटिस किया देखना एकदम से आके ना एक ऐसे जो इतनी घोंसलियाँ भाई इनमें घुस जाती हैं, इन्होंने घोंसले बना रखे हैं यहाँ पे। बेहतरीन नज़ारा है जोधपुर का, ये जोधपुर और ये आप यहाँ पे सनसेट। लाइक करो फॉलो करो कमेंट करो सब्सक्राइब करो कर दो।